नमस्कार मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें सी ए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम श्रृंखला का यह नवां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएँ देवनागरी लिपि का आविर्भाव कैसे हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे चैनल के जो भी छात्र अपने पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं सीवीएटी पीजी हिंदी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वे अधिक से अधिक संख्या में सफल हूँ तो मेरा यह छोटा सा प्रयास है यह सीरीज अभी जारी रहेगा और आज यह मेरा नवा लेक्चर है यदि मेरे पिछले लेक्चर से आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट अलग से मैंने बना दिया है इसके लिए सेवी ए टी पी जी हिंदी एग्जाम के लिए अलग से प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं तो पिछले बार भी देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि क्या है और इसकी विशेषता क्या क्या है तो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट्स बना दिया है आप स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं बहुत ही आसान है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है तो वर्तमान देवनागरी लिपि प्राचीन नागरी लिपि के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है मतलब नागरी लिपि का जो पश्चिमी रूप रहा होगा जो गुजरात वगैरह में प्रचलित था वहीं से वर्तमान देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है इसे नागरी और देवनागरी दोनों नामों से नामों से जाना जाता है नागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं और देवनागरी लिपि भी कहते हैं यह हमेशा ध्यान में रखिएगा कहीं पर यदि नागरी लिपि भी लिखा हुआ है तो वास्तव में देवनागरी लिपि ही है दोनों एक ही लिपि के नाम है नागरी लिपि का समुचित विकास दसवीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है मतलब कब से विकसित होना शुरू हुआ था दसवीं शताब्दी ईस्वी से यह समुचित विकास इसका प्रारंभ हुआ था इसके बाद है प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम जिनका समय काल है एक हजार उन्तीस ईस्वी और भीमदेव द्वितीय दी बारह सौ ईस्वी तथा उदय वर्मन बारह सौ ईस्वी के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी के बहुत समीप आ गई है तो मैंने जैसे इंटरनेट पर ढूंढा तो यह गुजरात के सोलंकी शासक थे आप भी इसे ढूंढ सकते हैं मुझे बताइएगा कि यह कहा के शासक थे सम्भवतः गुजरात के शासक थे और सोलंकी वंश से इनका सम्बन्ध था तो इनके समय जो अभिलेख जो प्राचीन अभिलेख जो लिखे जाते थे तो जो रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता था जो अभिलेख लिखे जाते थे तो उसमें जो लिपि प्रयुक्त की जा रही थी लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट जिसमें हम किसी भाषा को जिन प्रति चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं जैसे हम अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं और हिंदी को हम किस में लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं संस्कृत को भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं मराठी को भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं नेपाली को भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो ये जो लिपि हिंदी के बहुत करीब आ गई थी इनके समय में जो अभिलेखों में जो लिपि प्रयोग में लाई जा रही थी वह देवनागरी आज जो हम प्रयोग करते हैं उसके बहुत करीब आ गई थी लगभग समान हो गई थी इनमें स्वरों और व्यंजनों की बनावट मतलब लिखने का तरीका वर्णों के ऊपर शिरोरेखा शिरोरेखा किसको बोलते हैं जैसे मैंने का लिखा का अरे ऊपर में मैंने जो चिन्ह लगा दिया इसको बोलते हैं रेखा, है ना जैसे मैंने लिखा गा, गा, तो ऊपर में मैंने चिन्ह लगा दिया इसको कहते हैं शिरो रेखा तथा मात्राओं के चिन्ह बहुत कुछ वर्तमान हिंदी के समान हो गए थे हो गए हैं मात्राओं के चिन्ह मतलब जैसे छोटी इ की मात्रा है तो ये मात्रा का चिन्ह हो गया ये बड़ी की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं ना की लिखना तो ये हो गया तो ये जो चिन्ह है लगभग वर्तमान हिंदी के समान हो गए थे ये ध्यान में रखना है मतलब आपको ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कुछ आप जानते भी होंगे कुछ लोगों के लिए नई बातें होंगे मात्राओं का चिन्ह क्या होता है इस प्रकार मैं क्या बेसिक से आपको बताना पसंद करता हूं ताकि कुछ छात्र जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी भी वो कॉन्सेप्ट उनकी अवधारणा स्पष्ट हो जाए इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि का प्रारंभ एक हजार ईस्वी से बारह सौ ईस्वी तक मानना उचित है वर्तमान में हम जो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं उसका विकास इसी दौरान हुआ है एक हजार ईस्वी से बारह सौ ईस्वी के बीच में और बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे हैं। बाद में भारत सरकार के द्वारा इस हिंदी का मानकीकरण भी किया गया है और हिंदी के मानकीकरण के संबंध में किताब भी प्रकाशित की गई है जो इंटरनेट में आपको मिल जाएगा उसके जरूर पढ़ें आप इसके बाद अट्ठारहवीं सदी ईस्वी की नागरी लिपि प्राय वर्तमान नागरी के समान पूर्ण विकसित हो गई थी केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया जाता है

कुछ विद्वानों का यह मानना मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने से इसका नाम नागरी पड़ा तो ब्राह्मणों में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है जैसे सरयपारायण है 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 तो ही गुजरात में जो नागर ब्राह्मण थे एक अलग कम्युनिटी थी नागर ब्राह्मणों की उनके द्वारा यह लिपि प्रयोग में लाई जाती थी इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा कुछ विद्वानों का यह मानना है एक शत्री श्याम शास्त्री नाम के एक विद्वान हुए हैं उनका कहना है कि देव मूर्तियों सांकेतिक त्रिकोण या चक्र आदि चिन्हों को देवनगर कहते थे उसके मध्य में लिखे जाने के इन अक्षरों को देवनागरी कहा गया तो श्याम शास्त्री जी का कहना है कि उस समय जो भगवान की मूर्तियां बनाई जाती थी और कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे उनमें है ना देव मूर्तियों के कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे त्रिकोण या चक्र इत्यादि के रूप में और उनके बीच में जो जो लिपि लिखी जाती थी उसे कहा जाता था देवनागरी मतलब भगवान जो ईश्वर के प्रतीक के रूप में देव मूर्तियों के प्रतीक के रूप में जो चिन्ह जैसे स्वास्थ्य चिन्ह अगर हम बनाते हैं वैसे चिन्ह बनाए जाते होंगे उस समय और उनके बीच में जो लिपि लिखी जाती थी उसे उसी उसको कहा जाता था देवनगर उन्हें चिन्हों को देवनगर कहा जाता था और उनके बीच में जो लिपि लिखी जाती थी उसे कहा जाता था देवनागरी तो यह उनका मानना है इसलिए देवनागरी नाम पड़ा अब देवनगर स्थान से उत्पन्न होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा कुछ विद्वानों का कहना है कि इस लिपि का जन्म हुआ था देवनागर नाम के स्थान इस से इसलिए इसे देवनागरी कहा जाता है परंतु इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रामाणिक मत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इसे कुछ कहा जाना मुमकिन नहीं है लेकिन बस हमने देखा कि यह संभावना है कि इन उपयुक्त कारणों से हिंदी को हिंदी की जो लिपि है उसे देवनागरी कहा जाता है अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि क्यों मानी जाती है तो अविशेषता है इसके बाद हम कुछ कमियां भी देखेंगे है ना क्योंकि कुछ न कुछ कमियां तो हर लिपि में रहती है तो हिंदी में भी देवनागरी लिपि में कुछ कमियां हो सकती है तो आप पहले हम देख लेते ले, लेख देते हैं कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं क्या क्या गुण है एक आदर्श लिपि में क्या क्या गुण होना चाहिए और इस आदर्श लिपि के मानकों पर हमारी देवनागरी लिपि कितनी खरी उतरती है तो किसी भी आदर्श लिपि में जो नीचे हम गुण देखेंगे उन गुणों का होना आवश्यक है और देवनागरी लिपि में ये गुण प्राय पाए जाते हैं एक आदर्श लिपि में क्या गुण होना चाहिए ध्वनि और लिपि में एक रूपता जो बोला जाए वही लिखा जाए अर्थात जो लिखा जाए वही बोला जाए यह गुण देवनागरी लिपि में है मतलब जैसे अंग्रेजी में क्या है कई बार कई जो अक्षर होते हैं साइलेंट होते हैं जैसे नॉलेज बोलते हैं तो के साइलेंट रहेगा नॉलेज हम यदि बोलते हैं तो के साइलेंट रहता है साइकोलॉजी बोलते हैं तो पी साइलेंट रहता है नाइफ बोलते हैं तो के साइलेंट रहता है लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है जो हम उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं और जो हम लिखते हैं वैसा ही उच्चारण करते हैं वैसा ही पढ़ते हैं मतलब ध्वनि और लिपि में यहां पर एक रूपता है जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं जबकि अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है ठीक है ना इसी पर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र चिन्ह होना चाहिए प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग लिपि होनी चाहिए एक के लिए अनेक चिन्ह यह अनेक के लिए एक चिन्ह भाषा की अवैज्ञानिकता के सूचक है तो हिंदी को बहुत ही वैज्ञानिक भाषा माना जाता है हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है ऐसा विद्वानों का मानना है क्योंकि हम हिंदी में जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं और प्रत्येक ध्वनि के लिए हमारे पास लिपि चिन्ह है जैसे क बोलते हैं तो क के लिए हमारे पास एक अलग लिपि है संयुक्त तो व्यंजनों के लिए अलग से हमारे पास लिपि है इस प्रकार हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र एक एक चिन्ह है इसके विपरीत रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के लिए अनेक स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग होता है दूसरी और अनेक स्वरों के लिए एक ही स्वर का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में ऐसा नहीं है अंग्रेजी बहुत ज्यादा वैज्ञानिक भाषा नहीं है जैसे हम पीओटी पुट बोल देते हैं पीओटी बोलते हैं पुट और बी ऊटी बोलते हैं बट है ना बीटी बोलते हैं बट पीओटी बोलते हैं पुट तो यहां पर क्या है बच्चों को पढ़ाने में कंफ्यूजन होता है कि जब हम पीयू टी पुट बोल रहे हैं और अंग्रेजी में बट बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि यहां पर यू ही आ रहा है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अंग्रेजी में बहुत सारी बातें साइलेंट भी होती है अंग्रेजी में एक और दिक्कत भी है जैसे कहीं पर हम सी एच को क्या बोलते हैं क बोलते हैं केमिस्ट्री के लिए कहीं पर हम बोलते हैं शेवरले और ऐसे ही हम अलग अलग कहीं पर हम बोलते हैं च चा। चाम बोलते हैं च हो जाएगा कहीं पर हम सी एच के लिए च बोल देते हैं अंग्रेजी में चाम तो अंग्रेजी में देखिये सीएच के लिए कहीं पर क्या आ रहा है कहीं पर आ रहा है क कहीं पर आ रहा है श और कहीं पर आ रहा है च जबकि हिंदी में ऐसी बात नहीं है है ना तो अंग्रेजी और हिंदी में डिफरेंस है ध्यान में रखिएगा तो हिंदी बहुत ही भाषा में ध्वनियों को जितनी लिपियां हैं उनमें देवनागरी लिपि है समस्त ध्वनियों को अंकित करने की सबसे अधिक क्षमता रखती है मतलब जितनी भी ध्वनियां हैं हिंदी में चाहे हमारे स्वर हैं चाहे हमारे व्यंजन हैं तो जो भी हमारे पास ध्वनि है जैसे जितनी भी ध्वनि है जैसे क हम बोलते हैं तो उसमें हम हलंत लगा देते हैं तो जितनी भी ध्वनिया है उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता सिर्फ हिंदी में है देवनागरी में है देवनागरी लिपि में है इसीलिए देवनागरी लिपि को बहुत ही वैज्ञानिक लिपि माना जाता है असंदेह मतलब कोई संदेह नहीं होना चाहिए लिखने या पढ़ने में बोलने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए आदर्श लिपि की विशेषता है कि वह सुपाठ्य हो पढ़ने में आसान हो और किसी भी प्रकार का संदेह ना हो एक संकेत से दूसरे संकेत का भ्रम ना हो है ना जैसे क है तो क हम लिख रहे हैं तो क हम अलग तरीके से लिख रहे हैं ऐसे और फ हम लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों संकेत अलग अलग है स्पष्टता और संदेह की दृष्टि से देवनागरी लिपि अन्य भाषाओं की लिपियों से अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होती है मतलब जो लिखने का जो तरीका है उसमें कोई डाउट कोई संदेह नहीं रहता प्राय है ना लेखन में एक रूपता आदर्श लिपि वही है जिसमें प्रत्येक वर्ण एक ही रूप में रहे देवनागरी में यह विशेषता है जैसे अंग्रेजी में क्या है हमारा कैपिटल लेटर अलग हो जाता है स्मॉल लेटर अलग हो जाता है लेकिन हिंदी में क्या है एक जैसा हम लिखते हैं क लिखते हैं और हमको आधा क लिखना होता है हम हलंत लगा देते हैं है ना तो आदर्श लिपि वही है जिसमें प्रत्येक वर्ण एक ही रूप में रहे देवनागरी में भी अव... देवनागरी में यह विशेषता है लिपि सौंदर्य सुंदर भी दिखनी चाहिए लिखने में गोल गोल जैसे हम देवनागरी को लिखते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से आदर्श लिपि में सुंदरता गुण का समावेश होना चाहिए देवनागरी लिपि में यह गुण विद्यमान है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है है ना गोल गोल बहुत सुंदर तरीके से हम इसको लिख सकते हैं देवनागरी को लिखने और पढ़ने बोलने में मजा आता है इसके बाद यांत्रिक सुविधा यांत्रिक सुविधा मतलब टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से भी हिंदी में सुविधा सुविधाजनक है कि नहीं मुद्रण और टंकण मुद्रण मतलब होता है इसको जो हम प्रिंट करवाते हैं और टंकण मतलब टाइपिंग इसकी दृष्टि से सुविधा हमसे रहता हो तो पहले तो इसमें कुछ परेशानी आती थी लेकिन वर्तमान समय में यूनिकोड के माध्यम से है ना हिंदी को हमने ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूनिकोड के माध्यम से टाइप किया गया है तो यूनिकोड का जो फोनेटिक की बोर्ड होता है या की बोर्ड होते हैं उनकी सहायता से आज हम बहुत ही आसानी से हिंदी को टाइप कर सकते हैं टाइपिंग सीखने की भी जरूरत नहीं होती फोनेटिक की में तो यांत्रिक सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध हो गई है इस प्रकार आशुलेखन जो स्टेनो टाइपिंग होता है जो डिक्टेशन लेते हैं तो वर्तमान वैज्ञानिक युग की आवश्यकता है कि आदर्श लिपि में आशु लेखन की अधिक क्षमता होनी चाहिए हिंदी में यह गुण भी विद्यमान है कुछ सरकारी कार्यालय में स्टेनों की वहां पर भर्ती होती है जहां पर वो डिक्टेशन लेते हैं अपने अधिकारियों से तो आशु लेखन बहुत ही जो तेज गति से होता है और संकेतों के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है यह भी बहुत ही आसान हो गया है और हिंदी में हिंदी में यह गुण भी विद्यमान है तो अभी तो हमने देख लिया इसकी हिंदी देवनागरी लिपि की क्या खासियत है क्या विशेषताएं हैं क्या गुण है लेकिन इसमें भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है भारत सरकार ने इसका हिंदी का मानकीकरण किया तो कुछ इसमें जो कमियां थी उसको दूर कर लिया गया है फिर भी यहाँ पर कुछ कमियां है जिधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ये जिसे राइटर के बुक से लिया है उन्होंने ध्यान दिलाया है हमको उपरुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आदर्श लिपि के सभी गुण देवनागरी लिपि में प्राप्त है आदर्श लिपि में जितने गुण होने चाहिए वो हो होने इसमें देवनागरी लिपि में विद्यमान है लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है तो क्या कमियां अवैज्ञानिक तो तो और बाद में हम लिखते हैं वर्ण को ये पहले हमने मात्रा लगा दिया ऐसे बाद में वर्ण को लिख दिया ठीक है ना तो यह अवैज्ञानिक है पहले जो ब्राह्मी लिपि में हम इसको बाद में लगाते थे ऐसा करना है लेखक का फलंतरा को अनेक प्रकार से लिखना जैसे आधा जो रहा होता है आधा रहा इसको हम अनेक प्रकार से लिखते हैं जैसे क्रम लिखना है हमको तो ऐसे लिखते हैं क्रम और कर्म हमको लिखना है तो, कैसे लिख देते हैं? लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम आधार को कई प्रकार से लिखते हैं है ना तो इसमें भी सुधार होना चाहिए इनका कहना है इसका मैं हटा देता हूं ठीक है इसके बाद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अ आदि को दो दो प्रकार से लिखा जाना आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आ को अलग प्र, दो प्रकार से लिखते हैं कुछ लोग अड़ा को दो प्रकार से लिखते हैं कुछ ल को अलग अलग प्रकार से लिखते हैं है ना ल को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं देखिए कुछ लोग ऐसे लिख देंगे और कुछ लोग ऐसे लिख देंगे इस प्रकार सबका अलग अलग तरीका होता है तो इसमें भी भारत सरकार ने मानकीकरण किया है इसको मानक मान लिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग आगे त्रुटियां करते हैं तो इसको दो प्रकार से लिखा जा लिखा जाता है इन ध्वनियों को इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं खा लिखने में और रा लिखने में प्राय लोगों को कहा वो हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि इसने खा लिखा है कि राव, रावा लिखा है में यदि किसी ने यहां पर ऐसे बनाया हुआ है घंटी बना और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिया ऊपर में तो हमको तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में लिखना क्या चाहता है ना जैसे किसी ने धा लिखा और यहाँ ऐसे लाइन खींच दिया तो यहाँ पर हमको हो जाता है कंफ्यूजन कि यह धा है कि घा है इसी धा और मा में भा में क्या है कुछ लोग ऐसे भा लिखते हैं ठीक है ऐसे भा लिखते हैं बीच में गैप कर देते हैं लेकिन यदि लाइन ऐसे जुड़ गई तो मा, मा जैसे दिखने लगता है कुछ लोग तो स्पष्ट रूप से भा को ऐसे लिखते हैं ऐसे तो इसमें भी कोई स्पष्ट अंतर नहीं है इसके बाद संयुक्त व्यंजनों का एक रूप में ना लिखा जाना संयुक्त व्यंजन व्यंजन किसको किस बोलते हैं छ चा, छत ये होता है छ इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन इसको भी एक रूप में ना लिखा जाना यह भी परेशानी का मामला है इसके बाद जो हम लोग अरबी फारसी से जो हमारे पास ध्वनिया आई हुई हैं ये ध्वनिया हमारे पास अंग्रेजी फारसी से आई हुई हैं अंग्रेजी उर्दू आदि की क ख ग ज जैसे जिंदगी तो इन जिंदगी जैसे हम बोलते हैं तो ये जो नुकता वाली ध्वनिया है इन ध्वनिया का हिंदी में अभाव है इसको हम जिंदगी ही बोल देते हैं गमला को गमला ही बोल देते हैं कलम को कलम ही बोल देते हैं लेकिन इसका हम इन ध्वनियों का हमारे यहाँ अभाव है जैसे जिंदगी जिंदगी ज तो इस ध्वनि का हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में अभाव है तो इनमें से कुछ कमियों का निराकरण भी किया गया है और शेष कमियों को दूर किया जाना अपेक्षित है कमियां बहुत कम है क्योंकि भारत सरकार ने इसका मानकीकरण कर दिया है और जितनी भी कमियां थी लगभग हटाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है तो हिंदी का हिंदी देवनागरी लिपि और हिंदी का मानकीकरण वर्तनी का आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय की कि किताब आपको मिल जाएगी वो किताब आपको डाउनलोड करके जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है तो निश्चित रूप से मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें अधिक से अधिक साझा करें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा आप सबको शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद जय भारत